हेलो एवरीवन, हाय। सो ये अभी ब्लॉग कंटिन्यू ही है। इसके पहले मैंने अभी एक ब्लॉग शेयर किया था, हम लोग गए थे जूडियो। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने बताया था कि हम लोग अभी जाएंगे कुछ ऐसे ही खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख लगाई थी हम लोगों को। तो अब सभी ये न्यू आईटी गेट पर ही न्यू हाईवे रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी ये लोग तो बहुत बार जा चुके हैं, अभी नवरात्रों में ही ओपन हुआ था, इसकी ओपनिंग हुई थी। और हाईवे 2.0 करके है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का फोटो पिक्स, फोटो पॉइंट वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली थी एंड रील्स भी बनाई है। मैंने रील्स तो अपनी थोड़ी कम बनाई है। हाँ, जो भी देखनी है अगर आपको, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कनपुरिया दीक्षा, तो कनपुरिया दीक्षा पे मुझे फॉलो कर लीजिए आप लोग। एंड हाँ, मैंने अपनी डॉटर की बहुत सारी रील्स बनाई थी, तो उसकी रील्स भी मैंने उसके ही अकाउंट में अपलोड कर रखी हैं। सो हम लोग तो अभी यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और इन बच्चों को साथ में, हाँ ये भी साथ में वॉइस ओवर कर रही हैं, तो कह रही हैं मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो सच में ये बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, एंड अभी आपको दोपहर में कोई इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये टाइम हो रहा है दोपहर का ही, 4:30 बज रहे थे, आई थिंक 3:30 या 4 बज रहा था, तो इस टाइम पे ही गए थे। और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, इस टाइम पे कौन निकलता है। और वैसे ये होता है कि शाम के टाइम पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। कि शाम को ये लोग आए हैं, तो इन लोगों ने बहुत बार देखा है कि यहाँ पर भीड़ बहुत लगती है। तो हम लोग जल्दी ही आ गए थे क्योंकि शाम नहीं हुई थी, हम लोग ये आ गए थे यहाँ पे 4 बजने के पहले ही आ गए थे यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पे इन दोनों को बैठे हैं कि बस वेट कर रहे हैं कुछ आए और शैतानी करना स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खा रहे हैं। और खाना खाने कहाँ आए हैं, ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है अभी आईआईटी गेट पे, हाईवे 2.0। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का खाने का तो अभी मुझे नहीं पता, ये तो आज भी, ये तो रोज़ ही आते हैं खाने, बट हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए। देखते हैं खा के बताएंगे आप लोगों को, यहाँ का रिव्यू देंगे कैसा है कैसा नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि अच्छा लग रहा है मुझे, कि बस अच्छा होगा यहाँ का, यहाँ का जो फ़ोटो पिक्स वगैरह लेने का जो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए इस तरह का है, जो कि बहुत अच्छा है। इस तरह का, और ये लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ रील्स मैंने बनाई हैं, तो वो एक दो रील्स बनाई हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। एंड यहाँ पे मिट्टी और मिट्टी की फ्रेंड साथ में ही बैठे हैं, और जब ये लोग साथ में बैठते हैं ना, तो पक्का कुछ ना कुछ सतानी जरूर करते हैं। इसलिए इन लोगों को खाना खाते टाइम पे तो अलग अलग करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर पता है खाना भी नहीं खाते ये लोग एक दूसरे के साथ में, बस वही थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेते हैं और बस हो जाता है। तो थोड़ी देर तो बैठे थे साथ में, फिर उसके बाद में मिट्टी को ले गई थी मैं अपने साथ बैठा लिया। मैंने कहा खा लो कि कुछ तो खा लो, क्योंकि इन लोगों को भूख तो वैसे भी नहीं लगती, अपने मन से तो कभी बोलेंगे नहीं खाना खाना है। और देखो कुछ यहाँ पे बातें हो रही हैं इन लोगों की, कि मैं ये खाऊंगी, तुम ये खाना, तुम ये खाना, तो मैं ये खाऊंगी। कुछ पता नहीं इन लोगों की, इन बच्चों की भी कितनी बातें होती, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, और देखने में सच में मज़ा भी आती है। काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, और स्कूल में तो मिलते रहते हैं डेली, बट स्कूल में इस तरह से खेलना नहीं हो पाता है ना। और अभी स्कूल का समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो बच्चे और बोर होंगे। तो यहाँ पे अभी आ चुका है हम लोगों का सूप, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं अपना एक ही बस मंगाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, स्वीट कॉर्न सूप ही। वैसे तो सूप बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा था मैं पिला दूँगी मिट्टी को, बट वो पीती ही नहीं है। घर में भी अगर मैं बनाती हूँ कोई भी सूप तो नहीं पीती है। टोमेटो सूप, उसको विंटर्स में मैं टोमेटो सूप और कैरेट का बना देती हूँ, तो वो मैं उसको ज़बरदस्ती पिला देती हूँ, कि थोड़ा बहुत तो जानी चाहिए ना वेजिटेबल्स की। बच्चों का होता है वेजिटेबल्स खानी ही नहीं होती है, इनको तो कुछ नहीं खानी होती है, सिर्फ आलू छोड़कर कुछ खानी नहीं होती है। बच्चों का होता है सिर्फ आलू ही पसंद भी होती है, और बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके विंटर्स में तो मैं खिला देती हूँ थोड़ा बहुत करके, बट ये क्या है कि गर्मियों में ज़्यादा खिलाने में भी डर भी लगता है ना, थोड़ा सा भी ओवर होता है तो फिर बच्चे तो बता भी नहीं पाते, बस ये बताते हैं कि मम्मा यहाँ दर्द वहाँ दर्द। जितना होता है मैं लाइट ही खिला देती हूँ बस। हाँ, सूप तो वो बिल्कुल नहीं पीती है, मेरा वाला सूप तो कतई नहीं पीती है स्वीट कॉर्न, क्योंकि इसमें भर भर का ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और उसमें कॉर्न होते हैं, तो उसको तो वो बस एक जरा सा भी पिएगी तो थू 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 करती है, इसलिए मैं पिलाती नहीं हूँ। Thank you.
तो यहाँ पे मेरा तो सूप आ चुका था और साथ में यहाँ पे बच्चों का फेवरेट आ गया है पनीर टिक्का, जो कि मिट्टी को बहुत अच्छा लगता है। तो पनीर टिक्का खाया, हनी चिली पटेटो मेरा फेवरेट है, बट यहाँ पे ये है कि बच्चों को देख के आई थिंक इन्होंने स्पाइसी नहीं बनाया था, तो इसलिए स्पाइसी नहीं मिला मुझे, तो मैंने खा लिया। हनी चिली पटेटो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे आए नूडल्स, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब लोग, आप लोग सोच रहे होंगे मुझे सब कुछ फेवरेट है मेरा, ऐसा क्या है जो मेरा फेवरेट नहीं है यार क्योंकि मुझे फास्ट फूड वैसे भी अच्छा लगता ही है यार, क्या करें, मन मानता नहीं है, खाना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी हाँ कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ। तो बस ये कि नूडल्स खाए, बस ये कि थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, हाँ लिमिट में, ये नहीं कि एकदम से खा लिया है बस उसी से ही पेट भर लेना है, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं पनीर टिक्का वगैरह। एंड यहाँ पे मिट्टी भी अपने खुद से ही खा रही है, मैंने बोला कि मैं खिला देती हूँ तो कहती है नहीं मम्मा मुझे खुद से ही खाना है, तो वो यहाँ खुद से खा रही है नूडल्स। वैसे नूडल्स खाती नहीं है, वो फ्रेंड खा रही है साथ में, तो उसको देख के, बच्चों का ये बहुत होता है कि जब साथ में देखते हैं कोई खा रहा है तो खुद भी खाना होता है, ऐसे नूडल्स ही बिल्कुल नहीं छूती। घर वगैरह में भी मंगाती हूँ अगर मैं खाने के लिए, कहीं जाते हैं खाने के लिए, तो नूडल्स तो बिल्कुल नहीं खाती है, वो खा रही थी फ्रेंड साथ में तो इसने खा लिया, पनीर टिक्का खा लेती है बस। हनी चिली पटेटो ने यहाँ पे इंजॉय कर लिया क्योंकि स्पाइसी नहीं था इसलिए, वैसे हनी चिली पटेटो अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ स्पाइसी ही मिलता है, यहाँ पे आई थिंक इन्होंने बनाया नहीं था स्पाइसी बच्चों को देखकर। तो यहाँ पे नूडल्स बाकी मैंने ले लिए हैं और यहाँ पे ये कुछ बात कर रही है, हाँ पनीर टिक्का के बारे में बात कर रही है, तो इसके लिए पनीर टिक्के मंगाए गए थे और तो इसने वो खाया। बस इसका ये है कि इसको खुद से ही खाना होता है, हम लोगों के हाथ से नहीं खाना होता है उसको, वो बोलती है कि नहीं मम्मा मैं खुद से ही खा लूँगी। तो ये है यहाँ पे, ये देखिए हाईवे 2.0 रेस्टोरेंट एंड कैफे लिखा हुआ है यहाँ। ऐसे ही मैं देख रही थी कि देखते हैं क्या क्या है, और स्टार्टर वगैरह एंड चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल सब कुछ चेक करते हैं कि किस में क्या क्या है, तो वही देख रही थी मैं। यहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ। सो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो तो आने वाला था, उतनी देर बैठी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ऐसे ही करते हैं, बच्चे अपना इन्जॉय कर रहे थे, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और न्यू ओपन हुआ है तो जाना तो बनता है। और वैसे भी ये लोग तो हमेशा जाते ही रहते हैं, वो गए भी थे क्योंकि इन लोगों का यही होता है पहले जाकर खुद चेक कर लेते हैं, बाद में हम लोगों को जरूर ले जाते हैं, तो ये होता है कि बच्चे होते हैं इनको संडे को तो इन्जॉय करना ही होता है, हर दिन वो लोग स्कूल जाते हैं फिर संडे को इनको खुद से घूमना होता है, तो इन दोनों का यही होता है कि मम्मा मेरी फ्रेंड के साथ में चलो, वो फ्रेंड बोलेगी मम्मा मिट्टी के साथ में चलो, दोनों ही बोलते हैं एक दूसरे के साथ में नहीं मुझे एक दूसरे के साथ में जाना है, तो इन दोनों का होता है क्योंकि साथ में घूमते हैं तो अब लोगों की हैबिट भी पड़ गई है, कहीं भी जाना होता है तो तुरंत पूछते हैं मम्मा साथ में जा रही है ना, मम्मा मिट्टी बोलेंगी आव्या जा रही है, आव्या बोलेगी मिट्टी जा रही है साथ में, इसलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है। खाने में आया है कढ़ाई पनीर, और मिट्टी को यहाँ बोला जा रहा था कि खा लो पनीर के साथ में, तो कहती मुझे पनीर नहीं खाना, मुझे सिर्फ अचार के साथ में खाना, और सच में उसने थोड़ी सी जो रोटी खाई थी वो सिर्फ अचार के साथ में ही खाई थी, उसने खाई ही नहीं, सब्जी ली ही नहीं बिल्कुल भी, उसने कढ़ाई पनीर भी नहीं ली। तो यहाँ पे अब चलो खा लेते हैं हम लोग खाना, देन ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं। सो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, हाँ चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाएँ, तो ना वॉच कर पाएँ क्योंकि साथ में ब्लॉग के साथ में बहुत सी रिव्यू वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ। एंड चलिए खा लेते हैं, साथ में जो वेज बिरयानी आई थी वो बहुत ही टेस्टी आई थी, बहुत टेस्टी आई थी, तो वो भी हाँ ये कि स्पाइसी नहीं थी, बस स्पाइसी कुछ भी नहीं था, सब कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक था, बट बच्चों ने खाया नहीं। बच्चों का यही होता है घर पे ही बैठ के सिर्फ आराम से खा पाते हैं, कहीं जाओ तो इनका खेल में ही लग जाता है, या फिर थोड़ा बहुत खाएंगे बस उसके बाद रहने देंगे, जो चीज़ पसंद आएगी बस वही खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं छू सकते हैं। और चलिए मैं खा लेती हूँ यहाँ पर, ये है वेज बिरयानी, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस गाइस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून। ये देखिए पूरा हम लोगों का खाना फिनिश भी हो गया, तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे, देखिए पूरी प्लेट साफ़ कर दी है, और साफ़ करनी भी चाहिए, खाना बचाने से क्या है अन्न होता है ना, अन्न फेंकना नहीं चाहिए, मेरी आदत हमेशा ये, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, मैं कहीं भी बचाती नहीं हूँ, ये मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, अगर आप कहीं जाते हैं तो नहीं लीजिए जितना आप खा सकें, अगर नहीं खा सकते हैं तो उतना मत लीजिए। तो बस ये छोटे से ब्लॉग मिलती है, बाय बाय गाइस।